ये मेरी भतीजी है और बोलती है कि धान से चावल निकाल कर देने के लिए, मतलब वो धान से निकला हुआ चावल को खा रही है। हाय भाई लोग, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के वो 5:30 हो रहे हैं और मैं इधर आया हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग भी सुबह सुबह बकरी चराने चले आते हैं। तो चलिए हम आपको आज उन बच्चों से मिलवाते हैं। वो बच्चे मतलब बहुत ही प्यारे हैं। पहले तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास। जब जाऊंगा वो तो पहले तो मेरा वो फोन ले लेंगे, उसके बाद 10 या 5 मिनट तक तो पहले मेरा वो मेरे मोबाइल से यूट्यूब पे कार्टून देखेंगे, उसके बाद फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि क्योंकि वो बच्चे हैं तो बच्चे इंटरटेन करते रहते हैं। और आज मैं जो उनकी वो वीडियो बनाऊंगा, अगर वो फ्यूचर में जाकर देखेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब तो परमानेंट रहने वाला है ना। तो और सब आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आपको बच्चे से मिलवाते हैं। झोला में क्या भरा है तुम? उसमें क्या जालन? इधर आके बता दे क्या भरा है झोला में, दिखाओ क्या होता है जालन, क्या होता है? कान में डालेगा क्या होता है जालन? इससे क्या बनाएगा? आ तुम नया कपड़ा पहना है कहीं गया था क्या? तो पहना है किधर आके बोलो, इधर आके बोलो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? पूरा नाम बोलो, इधर देख के बोलो कैमरा में। हाँ ऐसे देख के बोलो। किस क्लास में पढ़ता है? बढ़िया। क्या क्या खाया है आज? बढ़िया है। इसका नाम क्या है रे? तुम किस क्लास में पढ़ता है रे फनीत? फाइव का मतलब क्या होता है? फाइव का मतलब चौथा, पढ़ने वाला चौथा बोला। अरे गिर जाएगा तुम लोग रे। बढ़िया बढ़िया। तो पूछो उससे किस क्लास में पढ़ता है। तो बोला तू अभी कि फाइव का हिंदी चौथा होता है रे। क्या क्या जानता है पढ़ने? वन टू पढ़ के सुना। वन हाँ भाई लोग, तो आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा? वो बच्चे लोगों ने जो दिए थे, अब हम लोग यहाँ से मतलब अब हम घर जा रहे हैं। तो अब बच्चे लोग यहीं पे रहेंगे, बकरी वकरी चराएंगे अपने, फिर वो लोग भी घर चले जाएंगे। मतलब 8-9 बजे तक, जब तक धूप निकलेगी तब तक वो लोग भी चले जाएंगे। और अभी तो ऐसे सुबह सुबह है, तो यहाँ पे बच्चे लोग बकरी चराने आते थे। और एक टाइम था कि मैं भी कभी वो गाय चराने आया करता था, और गाय चराने का कोई पीछे कोई रीजन नहीं था, मतलब कि ऐसा गाय चराना जरूरी ही है, बस उसके पीछे एक ऐसे रीजन थी जो मैं मतलब जो करने में अच्छा लगता था। वो रीजन ये थे कि जैसे कि बातें करना, अब कहाँ बातें करना ये आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।